हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं कि आप बगैर सोक किए या बगैर बॉयल किए अपने गंदे से गंदे प्रेशर कुकर या कढ़ाई को कैसे साफ़ कर सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी, और वो भी 5 मिनट के अंदर। तो ये देखिए, ये प्रेशर कुकर अंदर और बाहर से कितना गंदा है, काफ़ी समय से इसकी ठीक से सफाई नहीं हुई है। मैं इसको आपको साफ़ करके बताती हूँ। तो सबसे पहले आप हाथों में ग्लव्स पहन लें और उसके बाद इस प्रेशर कुकर के सबसे पहले बाहर के हिस्से को हम साफ़ करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए एक एल्युमिनियम फॉइल, और अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप डायरेक्ट स्टील का जो स्क्रबर आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें चाहिए बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले ये प्रेशर कुकर को इस तरह से उल्टा करके रख देंगे और इस पर हम ये बेकिंग सोडा को डालेंगे। उसके बाद नींबू का रस इस तरह से निचोड़ के उस पर डालेंगे और उसे इस तरह से फैला देंगे, और फिर इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही नींबू के रस और बेकिंग सोडा के साथ 5 मिनट तक ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल को इस तरह से स्क्वीज करके ले लेंगे और धीरे धीरे घिसते हुए इसको साफ़ करना शुरू करेंगे। और ये देखिए, इसकी जो गंदगी है ऑलरेडी निकलनी शुरू हो गई है। इसे लगभग मैंने 2 मिनट तक ऐसे ही घिसा है पहले एल्युमिनियम फॉइल और बेकिंग सोडा और नींबू के मिक्सचर के साथ, और उसके बाद फिर इसको ये साइड में जो है उधर भी घिस लेंगे, और इसके जो प्रेशर कुकर की जो वॉल है वहाँ पर भी घिस लेंगे। और अब ये नींबू का जो छिलका है उसे हम एक बार पूरे प्रेशर कुकर पे फिर से घिस लेते हैं, और उसके बाद हम फिर स्टील वाले स्क्रबर से इसे घिसना शुरू करेंगे। और लगभग 2 मिनट में आप देखेंगे ये बाहर से पूरी तरह से प्रेशर कुकर साफ़ हो जाएगा। मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा रही, जब आप इसे साफ़ करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। इसे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप हल्के हाथों से इसको घिसते जाएं और ये पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। ये देखिए, और अब इसे हम पानी से एक बार धो के देखते हैं कि कितनी गंदगी साफ़ हुई है और कितना कुछ बाकी है। ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारा 80-85% प्रेशर कुकर बाहर से साफ़ हो गया है। और इसे एक बार और हम नींबू और बेकिंग सोडा के साथ घिसेंगे और ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो नींबू का छिलका है उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के इस तरह से इसको हल्का सा रब कर रही हूँ, और इसको फिर से लगभग 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल के फैला दें, और उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दें, और बस इसको इसी तरह से 2 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। उसके बाद एक स्टील के स्क्रबर से इसे वापस से घिसेंगे, और इसमें मुझे लगभग 1 मिनट का समय और लगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्रेशर कुकर बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम नए जैसा दिखने लगा। इसकी सारी गंदगी साफ़ हो गई और मुझे इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ा, और ना तो मुझे इसको बॉयलिंग के लिए 15-20 मिनट छोड़ना पड़ा, ना तो मुझे इसे सोक करके छोड़ना पड़ा। और उसी तरीके से फिर इसको अंदर से भी मैंने घिस के साफ़ कर लिया, क्योंकि अंदर से ज़्यादा गंदगी नहीं थी। तो इसे बार बार इसमें बेकिंग सोडा डाल के छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बस एक बार में ही अंदर से साफ़ हो गया। और उसके बाद देखिए, पानी से इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यह प्रेशर कुकर किस तरह से चेंज हो गया है, बिल्कुल नए जैसा दिखने लगा। ये देखिए, सो फ्रेंड्स, ये देखिए, प्रेशर कुकर को साफ़ करने के पहले इसकी हालत अंदर और बाहर से कुछ इस तरह की थी, जो कि 5 मिनट के अंदर हमने देखा कि किस तरह से ये बिल्कुल चेंज हो गया। लग ही नहीं रहा है कि ये हमारा पहले वाला ही प्रेशर कुकर है। तो इसी तरह से आप भी अपने गंदे प्रेशर कुकर या कढ़ाई या किसी भी एल्युमिनियम के बर्तन को आप सेम प्रोसेस से बिल्कुल नए जैसा चमका सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिए, इसे शेयर करिए अपने सोशल मीडिया पे, ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, ताकि इसी तरह की और भी नई नई वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो या एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।